हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जिले के जाने माने समाजसेवी भाई मोहन अग्रवाल ने गरीब व असहाय लोगों को मिठाई व दीपावली के प्रयोग में आने वाली अन्य सामग्री वितरित कर गरीबों के चेहरे पर मुस्कान बिखेरी। साथ ही युवाओं को उत्साहवर्धक करते हुए उन्हें रोजगार के नए नए टिप्स दिए। इसी के साथ मौके पर समस्त अभिभावकों को अपने बच्चों को शिक्षा पर जोर देने की बात कही। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज, खबर हमारी दुनिया तक। तो दोस्तों खबर जानने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस खबर को खास तौर से लाइक करें और शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज। उत्तर प्रदेश के जनपद फर्रुखाबाद में जहां जिले के प्रतिष्ठित लोग अपनी खुद की दीपावली मनाने की तैयारियां में जुटे हैं, तो वहीं शहर के जाने माने समाजसेवी शहर भर में ऐसे गरीब व असहाय लोगों को खोज खोज कर उनकी दीपावली मनाने की व्यवस्था में जुटे हैं। फर्रुखाबाद विकास मंच के संस्थापक मोहन अग्रवाल अपने पुत्र वासु अग्रवाल के साथ हर वर्ष की भांति फर्रुखाबाद विकास मंच की पूरी टीम के साथ शहर के हैबतपुर गड़िया स्थित काशीराम कॉलोनी पहुंचे और वहां के बेसहारा व गरीब असहाय लोगों को दीपावली की मिठाई व त्योहार में काम आने वाली अन्य सामग्री वितरित की। मोहन अग्रवाल ने अपने पिता स्वर्गीय सुरेश चंद्र अग्रवाल जी की स्मृति में भव्य पंडाल लगाकर लोगों को आमंत्रित कर इस कार्यक्रम को अंजाम दिया और कार्यक्रम के दौरान विशिष्ट अतिथि आदर्श थाना मोदरवाजा प्रभारी बल्लाज भाटी को स्मृति चिन्ह व शाल उड़ाकर सम्मानित किया। वही कार्यक्रम के दौरान थानाध्यक्ष बल्लाज भाटी ने लोगों को साइबर क्राइम के बारे में जानकारी देते हुए सावधान रहने को कहा, साथ ही महिलाओं से संबंधित क्राइम को लेकर कुछ महत्वपूर्ण नंबरों की जानकारी दी और बताया कि थाना मऊदरवाजा पुलिस आपकी सेवा में हर समय उपस्थित है, किसी भी प्रकार के मामले के लिए किसी भी समय उनसे संपर्क कर सकते हैं। मौके पर वार्ड नंबर 31 के सभासद फुरखान अहमद खां, बॉबी गुप्ता, राहुल जैन, महेश चंद, हिमांशु गुप्ता, ईशान शाक्य, अमन जैन, रज्जन कश्यप, सनी गुप्ता, अवनीश गुप्ता, तालिब आदि लोगों ने सबने मिलकर मिठाई वितरित की। देखिए ये कार्यक्रम दो चार साल से हम लोग नहीं कर रहे हैं, ये हमारे पिताजी ने 2005 से प्रारंभ किया था, 20वां वर्ष है और यहाँ कांसीराम कॉलोनी में लगातार चौथे वर्ष हम लोग इस कार्यक्रम को मिष्ठान वितरण को करते आ रहे हैं। इसका हमारा ये उद्देश्य ये है कि खुशियाँ तभी जो है खुशियों की अनुभूति तभी होती है जब खुशियाँ बांटें और दुख तभी कम होते हैं जब आप दूसरों के दुख बांटें। तो दुख और सुख दोनों बांटने के लिए हैं और हम लोग हमेशा इसी तरह से इस कार्यक्रम को अनवरत करते रहेंगे और भी तमाम सामाजिक कार्यक्रमों को हम लोग जैसे जल सेवा है ये सब आप देखेंगे कि अनवरत रूप से हम लोग जो है इसको आगे बढ़ा रहे हैं। अभी इस कार्यक्रम के बाद कांशीराम कॉलोनी के अलावा जो छोटी कॉलोनी उसमें कार्यक्रम है। बताते चलें कि फर्रुखाबाद विकास मंच संस्थापक व समाजसेवी मोहन अग्रवाल ने लकूला काशीराम कॉलोनी व तहसील वाली काशीराम कॉलोनी में 2500 से अधिक मिठाई के पैकेट बांटे। कार्यक्रम में मोहन अग्रवाल ने गरीब व असहाय लोगों के दुखों को बांटा, साथ ही युवाओं को रोजगार के टिप्स दिए और समस्त अभिभावकों से बच्चों की शिक्षा पर जोर देने को कहा। उन्होंने शिक्षा को महत्व देते हुए लोगों से बच्चों की शिक्षा सहयोग देने की बात भी कही। यूपी 76 न्यूज ने मौके पर देखा कि मिठाई वितरण कार्यक्रम के सभी धर्म व सभी वर्गों के सभी समाज के लोगों को एक कतार में लगाकर मिठाई बांटी गई। साथ ही मोहन अग्रवाल व उनके पुत्र वासु अग्रवाल को ढेरों आशीर्वाद दे रहे थे। वहीं लोगों को ये कहते हुए भी पाया गया कि जिन्हें हमने अपना मत देकर किसी लायक बनाया था वह हमें देखने तक नहीं आते, परंतु मोहन अग्रवाल एक पुत्र की भांति हमारे सुख दुख में शरीक होते हैं, साथ ही किसी न किसी बहाने हमारे बीच में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहते हैं। लोगों के बिना कैमरे के सामने आए बताया कि आज तपती गर्मी में अगर कहीं ठंडा पानी मिलता है तो वो भी मोहन अग्रवाल की देन है। साथ ही हाड़ कपा देने वाली सर्दी से बचने के लिए मोहन अग्रवाल हर वर्ष लोगों को कंबल भी वितरित करते हैं। अब शहर में ये कहना गलत नहीं होगा कि मोहन अग्रवाल के कारण शहर के 2500 से अधिक परिवारों में दीपावली की खुशियां पहुंची हैं। साथ ही अपने दादा व पिता से प्रेरित होकर वासु अग्रवाल ने जो कहा
वो भी सुनने लायक है और उसे जरूर सुनिए। जी जैसे मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, उन्होंने अपने समय, अपनी सक्षमता के हिसाब से मिठाई बांटा। मैं एक स्कूल शुरू करने जा रहा हूँ, तो मेरा जो एम है वो मिठाई से बढ़ के है। मेरा एम ये है कि जो शहर का यूथ है, जो बच्चा है, उसको मैं एजुकेशन दूँ, जिससे उसको मिठाई के लिए मेरे पास आना पड़े, उल्टा वो अपनी सक्सेस की मिठाई मुझे देने आए।